अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद आप लोग सब अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से और अच्छे से रहने भी चाहिए। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप लोगों को दिल से वेलकम। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो भाई आज का जो ब्लॉग है वो है चांद रात का ब्लॉग है, लेकिन हाँ मैंने मेहंदी 29 रमज़ान को लगा लिया था, क्योंकि वैसे भी इंडिया में पता मतलब हो गया था कि भाई 11 अप्रैल को ही है, तो इसलिए मैंने 29 रमज़ान को मैंने मेहंदी लगा लिया। प्लस अगर चांद रात का दिन लगाते तो काम वगैरह डिशेस भी बनाने का रहता है, वो कैसे बनता, तो इसलिए मैंने चांद रात का एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगा ली थी। तो आप लोग डिज़ाइन बताएं कि कैसा लगा है, जैसा मतलब मोबाइल में मैंने जो शो किया तो वैसा सेम टू सेम आया है या नहीं आया है, या उससे भी अच्छा लगा है, तो वो भी आप लोग बताना मुझे। और आप लोगों ने ईद में क्या क्या किया, मेहंदी लगाई या नहीं लगाई। मैंने तो भाई पैर और हाथ में दोनों में मैंने मेहंदी लगा दी थी, तो वो मैं आपको ना इंशाल्लाह मैं ईद का व्लॉग में दिखाऊंगी कि उसका कलर रंग वगैरह कैसा आया है। तो यहाँ भाई मेरे मायके से ईदी भी आई थी, क्योंकि भाई मेरा ससुराल में पहला ईद था, तो मतलब मायके से ईदी वगैरह आती है ना, तो वही मेरा हस्बैंड के कपड़ा वगैरह सब मिठाई वगैरह ये भी सब मतलब सब मेरे मायके से आया है, तो मतलब अच्छा लगता है यार। ईदी किसको ने पसंद है बताओ तो भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है यार बता। आप लोगों के घर से भी ईदी आई होगी तो अपना जो भी है वो शेयर करें, कमेंट्स में बताएं। और यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह भी आया है ये, और यहाँ पर देखो अब ये जो ब्लॉग है ना वो अब ये चांद रात का ब्लॉग है, जो यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट रही हूँ, क्योंकि शीर खुरमा में लगती है और भी फिरनी वगैरह में, तो यहाँ ही मैंने जो ड्राई फ्रूट्स जो मैंने काटे हैं वो है ये क्या शीर खुरमा और क्या नाम है उसका शाही टुकड़ा के लिए, तो इसके लिए मैं मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसको काट रही हूँ। और यहाँ पर अम्मी बिरयानी का गोश्त को मतलब रेडी कर रही है, उसको मैरिनेट कर रही है वो, फिर उसके बाद बिरयानी का गोश्त वगैरह वो भी बन जाता है, रात में ही बन जाता है, फिर सुबह के सिर्फ खाली क्या बिरयानी चढ़ा दो। और ये भाई माइलो भाई साहब है ये, तो इससे आप लोग मिले, इससे पहले आप लोग मिले हैं या नहीं मिले नहीं पता, अभी मिल लिए इससे, तो इसको भी रेडी करना है, इसका भी ग्रूमिंग वगैरह है, इसको भी रेडी करना है, जो वो मेरी ननद करेगी इसको। ईद का व्लॉग में आप लोग इसको देखोगे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड अब अपना पंजाबी आयरन कर रहे हैं, क्योंकि भाई सब चीज़ मतलब रेडी करके रखना पड़ता है ना, क्योंकि सुबह है सवेरे मतलब नमाज के लिए जाना पड़ता है, तो उस वक्त तो इंसान तो नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त इंसान नहाना धोना होता है, कपड़े पहनने होते हैं, तो ये भाई मोस्टली ये सभी करते हैं, मोस्टली मतलब ये सभी करते हैं, सारे कपड़े वगैरह सब रात चांद रात का दिन ही रेडी वगैरह कर कर के रख देते हैं, बस सुबह नहाओ और पहनो निकल लो नमाज के लिए। तो यहाँ मैं जो बना रही थी ना वो मैं शाही टुकड़ा में बना रही थी, तो यहाँ मैंने मिल्क को बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था, ये ऑलरेडी बॉईल था लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा सोचा मैं और इसको मैं बॉईल कर दूँ। तो यहाँ हमारा चिकन वगैरह सब रेडी है, ये अफ़गानी चिकन है ये, तो यहाँ ये जो चिकन है ये मेरे सास ने बनाई है, और मैंने सिर्फ ये शाही टुकड़ा मैंने बनाया है ये, तो मैंने इसमें सब चीज़ वगैरह डाल दिया था जो भी लगता है, मतलब क्या मावा हुआ जो मैंने काजू वगैरह काटी वो भी सब मैंने डाल दिया। और यहाँ मैंने पैन में घी गरम किया है, क्योंकि मुझे ये काटना था क्या मतलब ये फ्राई करना था ब्रेड को, तो यहाँ मेरा शाही टुकड़ा का ये दूध पूरा एकदम फुल्ली रेडी है, इसमें बस मुझे फ्राई करना है और इसमें डिप करना है और ट्रे में मुझे रखना है बस। तो यहाँ पर मेरा अब ये एक एक करके मतलब मेरे मुझसे क्या गलती हो गया था, मैंने सिर्फ ना साइड में जो है ना वो ब्राउन पार्ट वो मैंने ना नहीं कट किया था, तो अगर वो कट हो जाता ना तो शायद मेरा शाही टुकड़ा और भी अच्छा सॉफ्ट बन जाता, उसके वजह से वो थोड़ा सा ना मतलब टाइट रह गया था। तो मतलब मैंने जितने भी थे मतलब जो ब्रेड मैंने काटे जैसे पीस करके रख लिए थे ट्रायंगल शेप में, उसको मैंने सब फ्राई वगैरह करके मैं बस ट्रे में सजाते जा रही थी, ये देखिए आप लोग। तो बस भाई यही छोटा सा मेरा चांद रात का ब्लॉग था, यहाँ मेरा शाही टुकड़ा भी बन बुन के रेडी हो गया है, तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि आप लोग ने क्या क्या डिशेस बनाया है अपना मतलब ईद में, क्या क्या मेरा कहाँ कहाँ घूमने गए वो भी बताए, क्या गेस्ट वगैरह आए या नहीं, या किससे मिलने आप लोग गए,
तो वो भी बताना आप लोग। तो खैर चलिए अब आप लोग से मिलते हैं ईद का टाइम में, ईद के दिन। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।